वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने बाल हेयर डाई वगैरह लेते हैं या फिर जिनके एक्सटेंसो वगैरह हुआ हुआ है या फिर केराटिन वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि उनके बाल बहुत डैमेज होंगे, जिस तरह के मेरे बाल बहुत डैमेज हैं, या फिर मतलब मैं अगर नहाऊँ तो ये होता है कि मैं एक घंटे तक तो अपने बाल सुलझाती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बाल बहुत ज़्यादा हाथों में आते हैं निकल के। तो मैंने फिर प्रोडक्ट ट्राई किया एक नया, और मैंने 10 साल तो हो गए जो मैं अपने बालों को स्ट्रिकिंग वगैरह या फिर हेयर डाई लेती हूँ, लेकिन अब मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम जो है वो केराटिन करवाया था, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और केराटिन में ये है कि मुझे समझ में नहीं आई केराटिन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि केराटिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कहने की बात है कि वो स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट वाला लुक देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब मैंने करवाया था उस वक्त तो मुझे बहुत लग रहा था कि हाँ बहुत लाइट वेट हो गया है बालों का और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया था, लेकिन उसके बाद जब 1 वीक के बाद ही जो है वो बाल बिल्कुल से बेकार हो गए थे। तो यस, अ बिग नो टू केराटिन। और एक्सटेंसो मेरे बाल में हो सकता नहीं था क्योंकि मेरे बाल बहुत डैमेज थे। गई थी मैं करवाने, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपने बिल्कुल भी नहीं करवाना, वरना आपके सारे बाल उधर के हाथ में आ जाएंगे। सो मैंने नहीं करवाया। और खैर, मैंने अब उसके बाद आपको रिव्यू देना था ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे मास्क का जो मैं यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो चले मैं आपको रिव्यू देती हूँ। ओके जी, तो ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, चाहे आपके बालों में केराटिन हो या सिर्फ हेयर डाई वगैरह हो, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, केराटिन, इसका नेम ही केराटिन है, ठीक है। और ये मास्क है, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, पहले आपको अपने बाल वॉश करने हैं, वॉश करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है। आपके घर में जो भी शैम्पू आप यूज़ करती हैं, क्योंकि ऐसे पता है हर किसी को अलग अलग शैम्पू सूट करता है, तो आप जो भी करती हैं वो कर लें। उसके बाद फिर आपने ये 20 मिनट्स के लिए अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और वैसे भी नॉर्मल मार्केट्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है 1000 ml का, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1000 ml लिखा हुआ है, सही है, 1000 ml का है ये, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ये समझे 2 महीने तो हो गए, तो मैं इसको अभी तक यूज़ कर रही हूँ और ये स्टिल अभी मेरे पास समझे इतना है, तो ये बहुत चलता है यार। इसकी स्मेल कसमें बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी स्मेल है इसकी। मेरे पास ये प्रोडक्ट 1000 ml में है, वैसे आप ये 500 ml में भी ले सकते हैं, ये मार्केट में 500 ml में भी मिल रहा है, और इसको आपको वीक में 1 टाइम ही लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको 2 टाइम्स लगा सकते हैं, वैसे ये वीक में 1 टाइम ही लगाइएगा। इसमें नेचुरल प्लांट एसेंस है। कंसिस्टेंसी की इसकी बात करें तो ये बहुत थिक और क्रीमी है, और ये क्लेम करता है कि ये आपके बालों को बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनाता है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आपने बिल्कुल भी अपने रूट्स पे टच नहीं करना है, आपने इसको अपनी लेंथ पे अप्लाई करना है। इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है इसकी। रिज़ल्ट आपके सामने अभी से है
कि पहले जब मैंने सिंपल शैम्पू से वॉश किए थे बाल, तो मेरे बाल बीच की मांग भी नहीं निकल रही थी, इतने ज़्यादा उलझे बाल थे। ओके, तो बाल मैंने सुलझा लिए और अब मैं आपको हेयर ड्राई करके इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ओके, तो रिजल्ट्स आप लोग के सामने हैं, देखें कितना प्यारा रिजल्ट आया है, कितने स्मूथ हो गए मेरे बाल, कितने शाइनी हैं देखें। जी, तो देखा आप लोगों ने कैसे मेरे बाल इतने प्यारे हो गए, और अब आप लोगों ने ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।